हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज आपके साथ बात करने वाला हूं एक धमाकेदार आईपीओ के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार गेन आपको दे सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ है बेसलिक फ्लाई, ठीक है, 11th ऑफ सितंबर को ही। आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 97 का है और 271 पर लिस्ट हुआ था। अभी जो करंट प्राइस है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब 311 रुपए। तो आप सोचो 100 रुपए का शेयर 300 बन गया तो कितना बढ़िया रिटर्न मिला, ठीक है। तो यहाँ पे बेसलिक फ्लाई जैसा ही बिजनेस, बेसलिक फ्लाई जैसा ही धमाका कर सकती है ये आईपीओ, जिसका नाम है डिजिकोर स्टूडियो लिमिटेड। तो इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे सब कुछ इस आईपीओ के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ सके और आप इसका फायदा उठा सको। तो चलिए अपनी डिटेल में स्टार्ट करते हैं आईपीओ की डिटेल्स से। यहाँ पे गाइस ये आईपीओ ओपन होगा 25 को, 27 को इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है, 3rd ऑफ अक्टूबर को इसका अलॉटमेंट और 6th ऑफ अक्टूबर को लिस्टिंग डेट। फेस वैल्यू स्टैंडर्ड है 168 से 171 रुपए इसका प्राइस बैंड है। इशू का साइज 30.48 करोड़ का है। 800 शेयर एक लॉट में मिलने वाले हैं क्योंकि जो प्राइस बैंड है वो महंगा है, 168 से 171, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लॉट के लिए 136,800 रुपए देने पड़ेंगे और ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। बिग शॉट सर्विस इसका रजिस्ट्रार है और रिटेलर पोर्शन रखा गया है 35% का। तो यहीं पे बता दूंगा इस एनएससी एसएमई पे ही लिस्ट होने वाला एक और धमाकेदार आईपीओ है, हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड। यहाँ पे थंबनेल लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी नाम से जाके देख लो। बहुत ही शानदार रिव्यू किया है मैंने और आईपीओ भी शानदार है, बहुत ही बढ़िया गेन देने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो जाके एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस अगर जो देखे तो कंपनी वीएफएक्स का काम करती है। वीएफएक्स नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ, आपने ये देखा होगा, अगर जो नहीं देखा है तो ट्राई कर लो, ठीक है। वेब सीरीज है जो कि बहुत ही फेमस है। आप में से कितने लोग इसका नाम जानते हो? अगर जो नहीं जानते आप तो कमेंट सेक्शन में चेक करना, और जो लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर कि ये कौन सी वेब सीरीज है और आपने देखी है नहीं देखी है। बहुत ही शानदार, मतलब अगर जो आप हॉलीवुड की मूवी देखते हो ना तो 99% लोगों ने इसको देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो यहाँ पे ये कंपनी जो है वीएफएक्स के लिए काम करती है। जैसे भी रिसेंटली जुमानजी मूवी आई थी, ठीक है, उसमें आप बहुत सारे पेड़ पौधे देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, झरने देख रहे हो, लड़ाई झगड़े देख रहे हो भयंकर वाले, ठीक है। अभी आयरन मैन का एंड गेम आपने देखा होगा, वो सारी चीजें वीएफएक्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिसेंटली मूवीज का नाम देख लो, जैसे जुमानजी हो गया, ये तो बहुत फेमस है, ये आप लोग बताने वाले हो, ठीक है, स्ट्रेंजर थिंग हो गया, तो ये मूवीज में वीएफएक्स काम करती करती है। उसके साथ ही गाइस ये जो है कमर्शियल यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वीएफएक्स काम करती है। उसके साथ ही टीवी सीरियल हो गया, वेब सीरीज हो गया, फिल्म हो गया, एड्स हो गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, ये सब के लिए काम करती है ये कंपनी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो वीएफएक्स क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इस तरीके से वीएफएक्स का काम होता है। इसमें आपको इंडियन नाम भी देने को मिल जाएंगे, जैसे हैदर आपको याद होगा, इस मूवी में भी इस कंपनी ने काम किया था, ठीक है। कुछ फेमस मूवी आपको नाम देने को मिल जाएंगे, जैसे डेडपुल, डेडपुल नहीं देखी है तो जाके देख लेना एक बार, बहुत ही शानदार मूवी है, ठीक है। दो पार्ट है डेडपुल के, दोनों बहुत ही शानदार है। कंपनी जो है 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी फुली वीएफएक्स प्रोवाइड करवाती है, बाकी सब डिटेल मैंने आपको बता दिया। कुछ यहाँ पे मैं आपको फेमस नाम बता देता हूँ मूवी का, जैसे थॉर अभी आया था, लव एंड थंडर मैंने देखी है, बढ़िया है, ब्लैक पैंथर सारा देखा है, बढ़िया है, वकांडा फॉरएवर, ग्लास ऑनियन, ए नाइम मिस्ट्री, डेडपूल, स्टार ट्रेक, जुमानजी, स्ट्रेंजर थिंग, द लास्ट शेप, टाइटैनिक, घोस्ट राइडर, ठीक है, इनमें से ऑलमोस्ट मैंने सारी मूवी देखी हुई है। तो यहाँ पे गाइस आप में से कितने लोगों ने ऑलमोस्ट सारी मूवी देखी है, कौन सी पेंडिंग बची ये भी बता देना और काम की बात अब कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज के साथ काम किया है इन्होंने, तो अभी इनको आगे भी काफी सारा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और बढ़िया ये बिजनेस आगे करने वाली है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये एड्स के लिए भी काम कर रही है और सारे सेगमेंट के लिए, जैसे नहीं सिर्फ फिल्म के लिए काम कर रही है, सारे सेगमेंट के लिए। ये 2000 में इनकॉर्पोरेट थी, इसका मतलब ये है कि इनके पास 23 सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे गाइस कंपनी जो है बढ़िया करती दिखेगी। इसका जो मेन बिजनेस है वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूरोपियन कंट्री से आता है, ठीक है, और इंडिया से भी आता है। तो आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री कितनी ग्रो करने वाली है, तो आइए ग्रोथ देख लेते हैं हम इनके फाइनेंशियल्स में। यहाँ पे एसेट हो गया तो जो वैल्यू है बता दो कि वो लाख्स में करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, तो 997 लाख है, तो उसका हम 7.97 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8.25 करोड़, यहाँ पे 19.32 करोड़, यहाँ पे 25.18 करोड़, तो काफी शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। रिवेन्यू की बात रही तो 6.15 करोड़ था, फिर 24.88 करोड़ हुआ, फिर 36.92 करोड़ हुआ, और फिर 11.86 अभी जून का क्वार्टर है, यानी कि यहां तक ये जो डेटा है पूरे साल का है, बट ये जो है एक क्वार्टर का डेटा है, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये तीन क्वार्टर का डेटा, आपको पता है ना कि तीन तीन महीने का रिजल्ट मिलता है, तो ये जून तक का डेटा है। तो यहां पे अगर जिन्होंने 11.86 मतलब करीब 12 करोड़ बना लिया है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, लगभग 48 करोड़ के आसपास आएगा। तो यहां पे 48 से 50 का बनाएंगी तो भी हमें शानदार जंप देने को मिलने वाला है। पैट की बात कर ले यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहां पे
1.80, ठीक है, लाख में है ये वैल्यू, ये करोड़ में नहीं है, सिर्फ 1 लाख कमा रही थी, लगभग 2 लाख मान लो, फिर 46 लाख, फिर 3.89 करोड़ हो गया, मतलब 46 लाख से सीधे सीधे 389 लाख का, तो 3.89 करोड़। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक ही क्वार्टर का डेटा है 270 लाख, 270 लैक्स, मतलब कि 2.70 करोड़। तो अगर जो देखो आप, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको 3 करोड़ मान लेते हैं, तो करीब 10 करोड़ से ज्यादा तो बनेगी बनेगी, और यहाँ पे अभी 4 करोड़ लगभग है, तो काफी शानदार जमे में प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। अब ये बता दूं, बेसलिक से अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो बेसलिक का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था और प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू बहुत ही शानदार जंप थी, इतना शानदार जंप इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, बिजनेस सेगमेंट लगभग वैसा ही है और ये ग्रो करने वाला है, बिजनेस बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बढ़िया है, इसके कोई डाउट नहीं है, पर बेसलिक से अगर जो आप करोगे कंपैरिजन तो थोड़ा सा सही नहीं है। बेसलिक का अलग ही रुतबा था, अलग ही फाइनेंशियल थे उसके, पर यहाँ पे बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़िया नहीं है, बट कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डाउन है बेसलिक से, तो यहीं पे हम बेसलिक को छोड़ देते हैं, कंपैरिजन नहीं करेंगे। नेटवर्थ की बात करें तो बढ़ता हुआ दिखा है, 8.13 हमें भी देखने को मिल रहा है, रिजर्व सरप्लस भी 6.94 देखने को मिल रहा है, और अभी इनके ऊपर बोरोइंग भी है, बोरोइंग कितनी है 9.12 करोड़ का, ठीक है। जो आईपीओ का पैसा उठा रहे हैं वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और जो इशू के एक्सपेंसेस है उसके लिए उठा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको कम करेंगे ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, जो बोरोइंग है रही जाने वाली है। तो यहाँ तक ये सारी चीज याद रखना, आगे आप पे काफी काम आने वाली है, बट उसके पहले आप जान लो, अगर जब टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो हमारे तो देख लो क्या क्या मिस कर रहे हो। यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी पे मैंने दी थी बैंक निफ्टी की कॉल, देख लो यहाँ 190 पॉइंट की, इंट्राडे कॉल उस दिन भी दी थी, फ्राइडे को भी दी थी, बैंक निफ्टी कॉल नहीं दे पाया था, कहीं बाहर था मैं, उसके लिए वीडियो भी डालती मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल, निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स, उस पर लेवल आपको देने को मिल जाता है, स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल और बहुत सारी चीजें देने को मिल जाती है, साथ में लर्निंग के लिए ऑडियो सपोर्ट, टेक्स्ट सपोर्ट और प्रॉपर सारी चीजें देने को मिलती है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे इसका लिंक मिल जाएगा, मिस मत करना। नंबर 2 पे न्यूज चैनल का, जहाँ पे आईपीओ की सारी डिटेल आती है, जीएमपी सब्सक्रिप्शन और सारा कुछ। तीसरा जो है वो इंस्टाग्राम है, उसको भी फॉलो कर लेना। तो वापस आते हैं और बात करते हैं डीजी कोर के बारे में। तो यहाँ पे गाइस हमने फाइनेंशियल्स देख लिए थे, फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया, बिजनेस बहुत ही शानदार था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। पी की बात करें तो 4.63 है, ठीक है, कम है। पोस्ट पी की बात करें तो 9.99 है। मार्केट कैप 108 करोड़ का है। आरओसी आरओई देखें तो बहुत ही शानदार है, 74 और 92 का, 15 से ज्यादा होता है तो हम बढ़िया बोलते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक इशू है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसकी वजह से हमें लिस्टिंग में भी देखने को मिलेगी दिक्कत, अगर जो 1 से कम होता ना तो नहीं मिलता, लेकिन 1 से ज्यादा दिक्कत मिलेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई रिस्की रहने वाला है। लेकिन कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स के भरोसे देखा जाए ना तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी अगर जॉब जाना चाहो तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत देगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो पैसा है इनके पास वो चुका लेंगे 1-2 साल में, तो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए भी आप जा सकते हो। बाकी लिस्टिंग के लिए अभी बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। ईपीएस जो 36.95 है, आरओएनडब्ल्यू 74.03, बहुत ही शानदार है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारा डेटा बहुत बढ़िया है। पीयर कंपैरिजन करने जाओगे तो फैंटम डिजिटल इनका पीयर है, तो अभी आपने देखा इनका जो पी है वो बहुत ही कम है, 4.63 का, ठीक है, अगर जो 9.9 भी लें, 10 भी ले लें तो भी हमें काफी कम देने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी जो है बहुत ही सस्ता प्राइस बैंड लेके आई है पीयर कंपैरिजन में, तो लिस्टिंग इनका स्पेस है, हालांकि प्राइस अगर जो आप देखोगे ना तो महंगा है कंपैरिजन में बेसलिक फ्लाई के, उसके कंपैरिजन में मुझे महंगा लगा था और वो चीज है, बट यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में सस्ता है, ये चीज ध्यान देना, पीयर के कंपैरिजन में सस्ता है। बेसलिक फ्लाई आईपीओ जो मैंने शुरू में बताया था और लिस्ट हो चुका है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा महंगा लगा। तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो सस्ता है कंपनी, प्राइम फोकस का देखे तो नेगेटिव है, तो कोई फायदा नहीं इसका देखने का, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमें ठीक देने मिल रही है, आपको इस आईपीओ के लिए पैसे बचा के रखने हैं और इस आईपीओ में आपको जाना है, बट थोड़ा सा वेट करके जाना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ना तो मजा आएगा। अगर जो आप डे 1 पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट रिस्क रह जाने वाला, डे 2 डे 3 पे सेफ रहेगा। बाकी मैं आपको सब्सक्रिप्शन और सारा कुछ बताता ही हूँ, तो क्या प्लान है आपका जाने का बताना जरूर। और किसी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ मैं इसके, तो हमें 100 to 105 देने को मिल रहा है, ठीक है, 105 रुपए तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता हुआ दिख रहा है। इसके हिसाब से देखें करीब 61-62% गेन होता है, तो 61% गेन बढ़िया है, और जब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा ना तो बढ़ भी जाएगा। यहाँ पे गेन कम होने का रीजन मैं बताऊँ, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी आईपीओ है इस वजह से। तो भाई डे 1 पे रुक के लगाना, डे 2 डे 3 पे मजा आने वाला इस आईपीओ में। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करने वाले हो बताना जरूर, और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी शानदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं वीडियो में, करते रहिए, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, प्लीज चल दिस एंड बाय बाय फॉर नाउ।